पंजाब विधानसभा में आज फिर भारी हंगामा हो सकता है। विपक्ष के निंदा प्रस्ताव पर विधानसभा में काफी घमासान मचने के आसार हैं। एक मिनट में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। पंजाब सरकार की तरफ से लाए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा स्पीकर को सीएम भगवंत मान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है, जिस पर आज विधानसभा में काफी हंगामे के आसार हैं। सीएम भगवंत मान की तरफ से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बिना बताए सदन की कार्यवाही बढ़ाने और राज्यपाल को बताए गए सदन की कार्यवाही में जीएसटी, बिजली और पराली जैसे मुद्दों पर बहस करने के बजाय विश्वास मत प्रस्ताव लाने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने सीएम के इस कदम को निंदनीय करार दे दिया है। पंजाब सरकार ने राज्यपाल को जो विधानसभा के विशेष सत्र का बिजनेस दिया गया था, उसमें विश्वास मत लाने का कोई जिक्र नहीं था और सिर्फ एक दिन के विशेष सत्र की बात की गई थी। लेकिन विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सत्र को फिलहाल 29 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को भी चलाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि कल भारी हंगामे के बीच पंजाब सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत पेश किया है, जिस पर 3 अक्टूबर को वोटिंग होगी।